बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम वअला आलिही वअसहाबिही अजमईन। मेरे अजीज भाई और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कल ईद का मौका अता फरमा रहे हैं। ये 10 ज़िलहिज्जा जो ईद उल अज़हा कहलाती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यौमुन नहर यानी 10 ज़िलहिज्जा को कोई अमल अल्लाह के नज़दीक इतना प्यारा और महबूब नहीं है जितना खून बहाना जानवर का। इसलिए कुर्बानी का अमल सब में अहम अमल है 10 ज़िलहिज्जा का। अब कुर्बानी के लिए जानवर को ज़बह करना इस्लाम में उसके भी आदाब हैं, उसकी भी रियायतें हैं, उन तमाम रियायतों का करना बेहद ज़रूरी है। बहुत सी मरतबा होता यह है कि हम उसका ख्याल नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से जानवर बजाय हलाल और सवाब का बाइस बनने के वो जानवर हराम हो जाता है, उसका गोश्त हराम हो जाता है। इसलिए कुर्बानी का तरीका भी जानना, जानवर ज़बह करने का तरीका भी जानना तफसील से हमारे लिए ज़रूरी है। इस वक्त मुख्तसर में जो है ये भी एक इल्म है हलाल और हराम के उनवान से कि जानवर कब हलाल होता है, कब हराम होता है, उसकी क्या चीज़ें हलाल हैं और किस तरह से ज़बह करें, इसकी एक तफसील है। लेकिन मुख्तसर में अर्ज़ यह है कि देखिए, कुर्बानी करने का आसान तरीका यह है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कुर्बानी खुद अपने हाथों से करते थे। इसलिए सब में बेहतर तो यह है कि जिसकी कुर्बानी हो वो कोशिश करे कि कुर्बानी अपने हाथ से करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला को ये बात पसंद है कि जब भी कोई काम किया जाए अच्छे तरीके से किया जाए, और जब तुम में से कोई जानवर ज़बह करे तो उसे चाहिए फल युहिद शफरतहु कि उसे चाहिए कि अपनी छुरी को अच्छी तरह से तेज करे। मुंड छुरी से काटना या जानवर को जिससे हर ऐसा काम जिससे जानवर को तकलीफ होती हो एक्स्ट्रा, वो चीज़ें तमाम मकरूह तहरीमी हैं। इसीलिए एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़बह करना या जानवर को बेदर्दी से खींच के लाना या जानवर को बेदर्दी से मारना, ये सब चीज़ें मकरूह तहरीमी हैं। बहरहाल जब जानवर ले आए तो उसे एहतराम के साथ जो है जानवर को ले आए और जानवर को उसके सीधे पहलू पर क़िबला रुख लिटाएंगे। लिटाने के बाद हम दो आयतें पढ़ेंगे, एक तो इन्नी वज्जहतु वज्हिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ध हनीफ़ व मा अना मिनल मुश्रिकीन, और दूसरी आयत है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन दो आयतों को अगर याद हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये पढ़ना फ़र्ज नहीं है। इसका तर्जमा और ख़ुलासा भी अगर हमारे जहन में रहे तो काफ़ी है, जिसमें यह है कि अल्लाह मैं पूरी तरह आपकी तरफ मुतवज्जह होता हूँ जो आसमान और ज़मीन का परवरदिगार है, और मैं मुशरिकीन में से नहीं हूँ। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा मरना जीना सब अल्लाह के लिए है जिसके साथ कोई शरीक नहीं है। अगर ये मफहूम भी आप जहन में लें तो काफ़ी होगा। बहरहाल जानवर लिटाने के बाद ये मफहूम जहन में लेना है या आयतें पढ़ना है और उसके बाद कहना है कि अल्लाह ये आपके लिए, आप ही की तरफ से ये जानवर हमें मिला है और आप ही के लिए हम कुर्बानी दे रहे हैं। उसके बाद बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर, ये बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर पढ़ना वाजिब है और ज़ुबान से पढ़ना वाजिब है। अगर कोई सिर्फ दिल ही दिल में पढ़ता है तो भी नाकाफी होगा। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे जानवर को मत खाओ जिस पे अल्लाह का नाम नहीं लिया गया है। तो जब बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर नहीं पढ़ा जाता है तो जानवर हराम हो जाता है। अब देखिए इसमें तफसील ये है कि बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर पढ़ना जानवर को ज़बह करते वक्त ये कंपलसरी है। बाद मरतबा देखने में यह आया कि ज़बह करने वाले पान मुंह में रखे हुए हैं, तंबाकू मुंह में रखे हुए हैं या इसी तरह से लापरवाही के साथ काटते हैं, तो अगर भूल कर किसी का छूट जाए तो तब तो उसकी गुंजाइश है, लेकिन अगर जानते बूझते हुए या सिर्फ मुंह में पान तंबाकू है इसलिए जो है सिर्फ दिल दिल में वो सोच के काट रहे हैं तो वो जानवर हलाल नहीं होगा, हराम ही रहेगा।
इसलिए इसका भी एहतिमाम करें बिस्मिल्लाह। फिर उसके बाद जब जानवर जुबा हो जाए तो उसके बाद जो दुआ हमें सिखलाई गई है वो ये है उसका, अल्लाहुम्म तकब्बल मिन्नी कमा तकब्बलत मिन हबीबिका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खलीलिका इब्राहिम अलैहि सलातु वसलाम। इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह जैसे तूने अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अपने दोस्त हजरत इब्राहिम से कबूल किया था, इसी तरह मुझसे भी कबूल फरमा। और अगर साथ मिलकर दे रहे हैं तो उन सब की तरफ से अल्लाह कबूल फरमा। हर एक का नाम लेना जरूरी नहीं है, लेकिन दिल में नीयत में इरादे में ये होगा कि उन सब की तरफ से ये कुर्बानी की जा रही है। जानवर को जुबा करते वक्त इसका भी एहतिमाम करें कि चार रगों का कटना जरूरी है, दो खून की रगें, सांस की नाली और गिजा की नाली। ये चार रगें अगर कटती हैं तभी जानवर हलाल होगा। अगर चार में से तीन भी कट जाए तो जानवर हलाल होगा, अगर तीन से एक भी कम कटी तो जानवर हलाल नहीं होगा। जल्दबाजी के अंदर इसका भी बार मरतबा ख्याल नहीं रखते, इसका भी पूरा एहतिमाम करें। इसी तरह से ये चार रगें कटने के बाद जानवर को छोड़ दें यहाँ तक कि वो ठंडा हो जाए, फिर जो है उसका चमड़ा वगैरह निकालने का एहतमाम करें। पूरी गर्दन काटना ये भी मकरूह है, इसलिए कि जब ये चार रगें कटती हैं तो जानवर के जो गर्दन का हिस्सा है वो जब बाकी रहता है तो दिमाग तक रगें जो गर्दन के हिस्से में मिलती हैं वो जारी रहती है, तो उससे पूरा जो खून है, जो खून जरासीम का जो है मीडियम होता है, वो सारा खून निकल जाता है, जिससे जानवर पूरी तरह से पाकीज़ा होता है, उसका गोश्त अच्छा होता है। तो ये बहुत सारी हिकमतें हैं इस्लामी ज़बिया में, इसलिए झटके का ज़बिया इस्लाम में मकरूह तहरीमी है, हराम के करीब है। इसलिए ये चार रगें कटने के बाद जानवर को छोड़ दें, ठंडा होने दें, उसके बाद जो है उसका चमड़ा वगैरह निकालें। ये चंद बातें जुबा से मुतालिक हैं, इसका एहतिमाम करते हुए हम जानवर को जुबा करें। अल्लाह ताला हम सबको अमन की तौफीक दे।